मैरवा प्रखंड के बड़गांव पंचायत के बैकुंठ छापर गांव के वार्ड 9 में बिना पीसीसी सड़क निर्माण कराए रुपए निकासी करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले में परिवादी कामेश्वर सिंह ने जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकारी के यहां शिकायत पत्र दिया है। उसके पत्र के अनुसार वर्ष 2023-24 में 15वीं वित्त आयोग से एक योजना लिया गया था, जहां बड़गांव पंचायत के वार्ड 9 में महमूद मियाँ के घर से पीच रोड तक पीसीसी सड़क निर्माण कार्य कराना था, लेकिन बिना सड़क निर्माण कराए ही अधिकारियों, अभिकर्ता और तकनीकी सहायक और प्रखंड प्रमुख के मिली भगत कर 1,92,000 रुपये की अवैध निकासी कर लिया गया है। उस पर कबीरपुर में धोबी पोखरा में बने छठ घाट में निर्माण कार्य के दौरान धांधली करने का आरोप लगा है। परिवादी ने सभी मामलों की जांच कराते हुए भ्रष्टाचार में संलिप्त सभी के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की मांग किया है। यहाँ के माननीय BDO साहब को यही महमूद मियाँ का घर है, रिपोर्टर साहब से हम कहेंगे महमूद मियाँ का घर यही है, यही उनका नेम है और यहाँ तक रास्ता बना हुआ है। महमूद मियाँ का जो घर है, जो योजना लिया गया है महमूद मियाँ के घर से वार्ड नंबर 9 से पीच रोड तक मंदिर तक, यही वो घर है। कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे, यही वो जगह है और जो योजना लिया गया है माननीय हमारे यहाँ BDC पति राजू पटेल के द्वारा जो योजना लिया गया है, यही वो रास्ता है और यही महमूद मियाँ का घर है। हम अवगत करा देना चाहते हैं माननीय BDO साहब को, माननीय यहाँ के ब्लॉक प्रमुख श्री वीरेंद्र जी को और जो भी यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति हैं, जो भी जो अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, सभी लोग को ये वीडियो आप दिखाइए। आपके मीडिया के माध्यम से हम अवगत करा देना चाहते हैं। शिकायत तो हम कर चुके हैं, शिकायत कर दी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महमूद मियाँ का घर असल में यही है, रोड यहीं बनना चाहिए जी। अभी तो कह लीजिए कि अभी भादो का महीना था, पानी नहीं हुआ है, तो अभी तो सही है। पानी हो जाने के बाद बहुत दिक्कत होता है सर। अच्छा, देखा जा रहा है कि सड़क का जो है पैसा पास हो गया, लेकिन सड़क में अब तक कार्य नहीं लगा हुआ है, निर्माण कार्य 2.5 महीना हो गया, लगभग 2 लाख रुपए का निकासी हो गया है ब्लॉक प्रमुख के द्वारा। और यहाँ पे हमारे जो BDC पति हैं श्री राजू पटेल जी, उनके द्वारा ये योजना लिया गया था महमूद मियाँ के घर से पिच रोड तक मंदिर तक, उन्होंने इसका सफाई भी कराया था 2 महीना पहले, अपने जेब से पैसा दे के लेबर को, और सफाई होने के उपरांत सारे ग्रामीण खुश हो गए कि अब ये काम होगा, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ, इसको क्या कहा जाए। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये लापरवाही सारे कर्मचारियों की है, BDO की है, प्रमुख जी की है, इसका हम लोग शिकायत किए हैं। कहाँ पे आप लोग शिकायत किए हैं इसका? इसका हम लोग शिकायत किए हैं बिहार लोक शिकायत निवारण सिवान में किए हैं। अच्छा जी, कब कब लोग शिकायत किए हैं? कल परसों में शिकायत हुआ है। अच्छा, देखिए इस पे क्या उचित कार्रवाई होती है। अब हम लोग तो भाई सीधी सी बात है, हम लोग को तो रोड बनना चाहिए, पैसा रिफंड नहीं चाहिए। जैसे फरछुआ में पैसा रिफंड हो गया, फरछुआ में वो प्रमुख के द्वारा जो MP साहब का काम दिखा करके रुपया उठाव कर लिया गया था, और फिर जो है कि हल्ला गुल्ला होने पर पैसा रिफंड हो गया, वैसा हम लोग नहीं, कतई नहीं होने देंगे। ये रोड बनना चाहिए। सारे ग्रामीणों का यही कहना है कि रोड बनना चाहिए, और बहुत बड़ी बात नहीं है ब्लॉक प्रमुख जी के लिए, ये मात्र 350 फीट है, ये बहुत ज्यादा उनके लिए बड़ी बात नहीं है। पैसा उठाव कर लिए हैं, 2.5 महीना हो गया, फिर भी वो काम कराए, यही हम लोग ग्रामीणों की मांग है। कितना मीटर यह सड़क है? ये 350, मात्र 350 फीट है। कहाँ से कहाँ तक? जी, ये महमूद मियाँ के घर से और मंदिर तक, पिच रोड तक। जी, क्या मांग करेंगे आप? हम मांग करेंगे जिला के जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जो भी यहाँ के मैरवा अंचल के BDO साहब हैं, सभी लोगों से हम यही कहेंगे कि इसको अच्छे से जांच किया जाए, जांच में जो है कि दोषी जो पाया जाता है उस पर कार्रवाई किया जाए या अविलंब इस रोड को बनवाया जाए। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम मेहताब आलम, बड़गांव पंचायत वार्ड नंबर 9 बैकुंठापुर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लमसम 2.5 महीना पहले पैसा उठ चुका है, अभी तक इस रोड में काम नहीं लगा, अभी तक लग जाना चाहिए, पहले ही लग जाना चाहिए, अभी तक लगा नहीं। कितना दूरी है सड़क है? लमसम 350 फीट है। 350 फीट है, हाँ। कितना पैसा पास हुआ सड़क का? 2 लाख के लमसम पैसा उठ चुका है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, कब तक क्या सड़क बन पाए, बनेगा या नहीं बन पाएगा, आपको क्या लग रहा है? अभी हम कैसे कह पाए, तो पैसा उठा लिए हैं वो लोग। अच्छा, पैसा उठा लिया गया है। तो क्या लग रहा है आपको, सड़क बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, पैसा उठाने के बावजूद भी? अभी तक बना नहीं, तो हम लोग कैसे कह दे कि सड़क बन जाएगा, अब जब बन जाए उसके बहु तब ना।
अधिकांशकर इन सब मामलों में देखा जाता है कि जब कंप्लेन होता है तो पैसा रिफंड हो जाता है। वो रिफंड हो चाहे वो उसी में बने, लेकिन ये बनना चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ, रिफंड नहीं चाहिए, फंड पैसा नहीं चाहिए, लेकिन ये बनना चाहिए रोड। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। जितेंद्र कुमार सिंह, वार्ड नंबर 9, वार्ड सदस्य।